देखिए दो डायग्राम में बोला था, एक डायग्राम किसके लिए होगा, डी टर्म के लिए। अब डी टर्म किसमें किसमें होता है, D1, D4, D6, D9 और ऑक्टेटल भी देखना है, साथ साथ टेट्राहेड्रल भी कवर होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल अलग चीज है और ऑर्बिटल टर्म्स का स्प्लिटिंग अलग है, है ना। टर्म्स एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में डिटेल स्टडी है, और जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल केवल सुपरफिशियल स्टडी है, वो सीएफटी बस से काम चलता है। ये सीएफटी के बाद की आगे का पॉइंट बताता है। हाँ, ध्यान दें मैं इस डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, पहले डायग्राम बनाना बता देता हूँ। बीचों बीच आप लिखेंगे ट्वाइस एस प्लस वन जो भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा और उसके साथ डी, जिसका भी आप बनाए, है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग उसका डी टर्म आ जाएगा। अब क्या होता है, ऐसे बीचों बीच इसको दो पार्टीशन आप एक डैश लाइन से कर ले रहना, ताकि पता चलता रहे कि अलग अलग है। और ये वाला जो पार्टीशन है वो किसके लिए होगा, ये बैरी सेंटर जिसको बोलते हैं ना, उसको दिखाने के लिए, ठीक है। राइट साइड में आप इसको तोड़िए जैसे तोड़े थे भी, टी टू जी और ई जी, टी टू जी नीचे करिए और ई जी रखिए ऊपर, ऐसे। लेफ्ट में उल्टा तोड़िए, इसको ई जी नीचे रखिए और टी टू जी के रखिए ऊपर, इस तरह से हो गया, आ रहा है समझ में। तो ये जो डायग्राम आप बना रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, वही ऑर्गल डायग्राम है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा किसका है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा जो राइट साइड से जो देखोगे वो भी एक स्प्लिटिंग दिखाता है, और अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो ये भी एक स्प्लिटिंग दिखाता है। कहने का मतलब दो स्प्लिटिंग को एक साथ रखा गया है, ठीक है, ये भी एक स्प्लिटिंग है। अब क्या होता है कि ऑर्गल डायग्राम में कौन सा हिस्सा को कब यूज़ किया जाएगा, तो मैं उनके लिए पहले क्लियर कर दूँ कि D1 और D6 अगर ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है तो ये राइट वाला डायग्राम काम करेगा, बिल्कुल इसी तरह D4 और D9 टेट्राहेड्रल सिस्टम है तो भी राइट वाला सिस्टम काम करेगा। यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर D1 और D6 के टेट्राहेड्रल के रिवर करता है, और इधर D4 और D9 के ऑक्टाहेड्रल के लिए वर्क करता है। अब क्या है, सबको याद रखने में कंफ्यूजन हो जाता है, खिचड़ी हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे, किसी एक को याद रखेंगे, जैसे इसको याद रखें, बाकी सब मैच कर लोगे। D1 D6 ऑक्टाहेड्रल राइट है ना, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल राइट है, बाकी इसका टेट्राहेड्रल है और इसी का जस्ट उल्टा, ऐसे याद रखना है। तो इसे क्या होता है कि ऑर्गल डायग्राम में कब किस डायग्राम को यूज करना है, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल यहाँ से दो और दो चार और यहाँ से आठ, तो टोटल मिला के आठ सिस्टम कवर हुए हैं, है ना, चार चार आठ सिस्टम दिख रहा है, और सबका ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल है, ठीक है भाई। तो आठ सिस्टम हमने एक डायग्राम में कवर कर दिया है, ये बात है, तो इसी को तो ऑर्गल डायग्राम बोल रहे हैं। ये हो गया पहला टाइप का। एक दूसरा आता है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डी की जगह एफ, फिर एक डायग्राम ऑर्गल डायग्राम हो जाएगा, फिर अप्लीकेशन बाद में देखेंगे। देखें इसमें लिखा हूँ D2 D3 D7 D8 ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल सिस्टम। कैसे इसका डायग्राम, इसका डायग्राम में हमेशा याद रखना पहले बीचों बीच वही ट्वाइस एस प्लस वन और एफ टर्म, ठीक है। और ये बता ही चुका हूँ कि हमेशा इस टर्मोलॉजी से एसोसिएटेड हमेशा टर्मोलॉजी होता है ट्वाइस एस प्लस वन और पी, एस है इस तरह से, है ना, पी और एफ हमेशा। ये देखो, ये हालांकि इसका पार्ट नहीं होगा, जो डी टर्म होगा वो यहाँ ये डिसाइड करेगा, है ना, हम इसका डायग्राम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ऑब्जर्व हुआ है, ये इतना क्लोज एनर्जी का होता है कि हमेशा इसका जो ट्रांजिशन है इस लेवल तक पहुंच जाता है, तो हमेशा क्या करता है, ये सिग्नल की संख्या को डिस्टर्ब करता है। हम इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं दो आ जाएगा तीन, है ना, इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं एक आ जाएगा दो, इस तरह से तो वो नंबर ऑफ सिग्नल को अफेक्ट करता है, इसलिए हमेशा इसको इसके साथ अटैच करके लिखा जाता है, क्योंकि वो कम गैप कम होता है, ट्रांजिशन वहाँ तक पहुँचता है और इससे हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, ये तो स्प्लिट नहीं होता भाई, है ना, ये स्प्लिट नहीं होता, चलो इसके बाद में बात कर लेंगे, इसको पहले बात करते हैं। राइट साइड आप क्या करिए, ये बैरी सेंटर है, यहाँ से ऐसा बना देता हूँ और ये पार्टीशन के लिए ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिए T1G जी किए थे, फिर छोटे गेप के साथ T2G और बड़े गेप के साथ A2G, ठीक है भाई। और यहाँ से ऐसे इसको थोड़ा लंबा कर लेता हूँ, पी का जो राइट साइड का है वो पी का जो टूटता नहीं है, लेकिन सिंबल तो T1G लगाना पड़ेगा। अब देखो दो T1G हो गए तो इसको एफ ब्रैकेट में लिख देना ताकि क्लियर रहे, और इसको पी लिख देना। अभी देखिए मैंने क्रॉस करा दिया है, क्रॉस करा दिया क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्मोलॉजी क्या है, डिफरेंट है, A2G है और T1G है,
तो दो डिफरेंट मल्टीप्ली डिफरेंट मिलिकन सिंबल हो तो उनको क्रॉस करा सकते हैं, सेम रिपल्सन होता है। चलिए इधर लेफ्ट में आते हैं, लेफ्ट में देखिए तो भाई क्या करें, अभी फिलहाल में इसको ऐसा बनाते हैं, ये टी वन जी हो गया उल्टा और थोड़ा सा गेप के साथ टी टू जी हो गया और थोड़ा लंबा गेप के साथ यहाँ पर आ गया ए टू जी। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ इसका जब हम लोग इधर लेफ्ट में बनाएंगे तो टी वन जी यहाँ भी है और टी वन जी ये भी है, तो ये क्या करता है ये दोनों क्रॉस करेंगे तो वो नॉन क्रॉसिंग रूल फॉलो नहीं किया ऐसा बोलेंगे, तो नॉन क्रॉसिंग रूल को फॉलो करते देखेंगे तो एक्चुअल में ये ऐसा ना हो कि थोड़ा सा रिपल होता है और ये बेंट हो जाता है इधर और ये भी झुकता है ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर झुक जाता है, ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर झुकेगा ये ऊपर की ओर मुड़ जाता है, तो ऐसा रिपल्सन का फिनोमेना होता है जिससे राइट साइड और लेफ्ट साइड का डायग्राम में चेंजेस आ जाते हैं। तो अब ये कौन है भाई, टी वन जी है और टी वन जी किसका है, एफ का है, और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो टी वन जी, ये किसका है, पी का है, तो ये ऐसा मुड़ा हुआ दिखेगा क्योंकि नॉन क्रॉसिंग रूल को फॉलो किया है। ठीक है, अब ठीक है डायग्राम हो गया, लेकिन अब कौन सा किसका साइड है, चार सिस्टम हमारे पास और चार चार आठ है ऑक्टेटल टेट्राहेड्रल मिला के, तो मैं उसको मेंशन कर देता हूँ, तो ध्यान देंगे इस यहाँ पे हमेशा याद एक को याद रखा करें। चलिए मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ जगह दिख रहा है डी टू, राइट साइड के लिए बात कर रहा हूँ, डी टू डी सेवन ऑक्टाहेड्रल ये राइट साइड को बिलोंग करता है, डी थ्री डी एट टेट्राहेड्रल ये भी राइट साइड को बिलोंग करता है, लेकिन जब इसी को इधर लाते हैं तो क्या होगा, डी टू डी सेवन अब ऑक्टा की जगह यहाँ पर क्या कर देंगे, टेट्राहेड्रल, यहाँ देखिए डी थ्री डी एट ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से आपको याद रखना है, चारों को याद नहीं रखना है, सबको याद रखने में किसी का समझ में नहीं आएगा, किसी को भी याद नहीं होगा, उससे अच्छा एक जो सर्कल किया उसको याद रखे, बाकी को आप चेंज कर लेना। डी टू डी सेवन ऑक्टाहेड्रल इधर हो गया, फिर उसी के क्या करना, डी थ्री डी डी एट करके जो बच गया उसका टेट्रा, फिर इधर आओगे तो जो ऑक्टा बोले थे उसको टेट्रा कर देना, टेट्रा बोले थे उसको ऑक्टा कर देना। अब ये हमको क्या बताएगा, दोनों में बताना चाह रहा हूँ कि दोनों लेवल में अब क्या होगा, क्वेश्चन हमारा वही रहेगा कि कितने ट्रांजिशन है, तो कितने ट्रांजिशन में क्या करना है, पहले आपको डी वन है डी टू है डी, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाओ, टर्म सिंबल पता लगाओ और टर्म सिंबल के हिसाब से अब राइट वाला है ऑक्टेटल की टेटल देखे राइट फिट होगा कि लेफ्ट फिट होगा वो देखिएगा, फिर इसमें से जो भी फिट हुआ सपोज करो राइट फिट हुआ तो ये सबसे नीचे वाला मूलिकन सिंबल क्या होगा, ग्राउंड मूलिकन सिंबल मतलब लोएस्ट एनर्जी का, फिर यहाँ से ऐसे चलना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं और क्या है? देखते हैं भाई, जैसे सपोज करो ये बात की बात है लेकिन मैं हल्का सा हिंट दे रहता हूँ, ये ऐसा ऐसा एरो बनेगा, हमेशा एरो का जो एनर्जी वगैरह कंपेरिजन आएगा ना क्रॉस ओवर पॉइंट से हमेशा पीछे ही जज करेंगे, क्रॉस पॉइंट से पीछे ही जज करना, आगे नहीं करना, आगे करोगे क्या होगा, इतना जो गैप देख रहे हो यहाँ पर गैप चेंज हो जाएगा, मतलब ये गैप अभी बड़ा दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला गैप बड़ा दिख जाएगा ए टू जी वाला, तो एक्चुअल में हम इस क्रॉस पॉइंट से पीछे ही गैपिंग को मेजर करेंगे ताकि एनर्जी ऑर्डर वेवलेंथ ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ऑर्डर सब कुछ सेम आए, क्लियर है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।